एक दो बातें मैं खारिज कहना चाहूंगा जनाब प्याज अहमद साहब के हवाले से। मैं अपनी जिंदगी में बड़े लोगों से मुतासर हुआ, बहुत ज्यादा लोगों से, प्याज अहमद साहब से भी मैं मुतासर हूँ, और मुतासर होने की बड़ी वजूहत है कि मैंने देखा है कि जब हम लोग किसी से मुतासर होते हैं, आमतौर पर वो शख्सियात होती हैं जिनको हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, और वो किताबें आमतौर पर अगर फार्मूस की लिखी हुई हैं तो हमारे लिए मुतासर होने की सबसे बड़ी वजह यही बन जाती है कि जिसका ये किसी फॉरन आदर में लिखी हुई है। आपने देखा होगा कुछ अच्छे से पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला हुआ है मोटिवेशन स्पीकर का। मोटिवेशन स्पीकर जो है, मैं कभी उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, मतलब और मैं शायद उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी मैं नहीं समझता उनको, सच्ची से बात मैं बताऊँ आपको कि वो जो मोटिवेशन स्पीकर हैं उनके पास सिर्फ बोलने की स्किल्स हैं, उनके पास किताबें हैं, उन किताबों से हासिल किया हुआ उनके पास इल्म है, कुछ उसूल निकाले हुए उन्होंने, और उसको वो बड़े धैर्य से स्टेज के ऊपर आता आर्टिस्ट बैठे होती हैं उनको बहुत मुतासर करने की कोशिश करते हैं। ये खास किस्म है जिनको मोटिवेशन स्पीकर कहा जाता है, और हर जगह पर इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। मैंने जब प्याज साहब को देखा, बड़े करीब से मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि हमारी दोस्ती को भी तकरीबन अगर इस इदारे को बने हुए 25 साल हो गए, जिसकी सिल्वर जुबली भी मनाई गई, और बड़े एहतमाम से और बड़े धूमधाम से हम भी कुछ अर्से के बाद अपनी सिल्वर जुबली इंशाल्लाह बनाएंगे दोस्ती की। प्याज साहब को जब मैंने देखा बहुत करीब से, तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो चीज़ें हम मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ किताबों में पढ़ते हैं, प्याज साहब की शख्सियत में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इन्होंने गौरव की किताबें भी पढ़ी ज़्यादा उस हवाले से, लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है और उसमें अल्लाह ताला ने इतने असबाब रखे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को रखने के, उनको हैंडल करने के, और उनको फिर अमली शक्ल देने के, कि बात बात इंसान को हैरत होती है कि एक शख्स जो है वो कितना मल्टी डायमेंशनल भी होता है। प्याज साहब को मैंने जब इनके ऊपर एक छोटी सी तहरीर मैंने लिखी थी, उसमें मैंने कहा था कि इनमें मुगलिया दौर के जो लोग हैं उनकी बड़ी सिफात मौजूद है। आप इस अदारे को देखें जिसमें बैठे हुए किरते मुगलिया दौर की कोई इमारत बनी हुई है, और इसकी सिर्फ छत के ऊपर जाकर आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ उन छत के ऊपर जो इन्होंने इसको डेकोरेट किया उसकी कितनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, क्या कुछ इनके जहन में था। ये तो खैर एक एस्पेक्ट है कि फन तामीर को कितना अच्छा समझते हैं, फन तामीर में जो एक एस्थेटिक सेंस होता है खरज कम जमालियात के हवाले से, वो अल्लाह ताला ने इनको कितनी खूबसूरती के साथ बदियत किया होगा। इन सबसे बढ़कर मैंने किसी शख्स में बतौर लीडर के उसके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैंने किताबों में पढ़ी जरूर है, लेकिन अमली तौर पर मैंने बड़े कम लोगों में देखी है। उनमें एक प्यास है कि अल्लाह ताला ने इनमें मुझे लगता है कि ये जिस तरह एक होता है ना वार्म लीडर, कि लीडर दो तरह के होते हैं, कि पढ़ लिख वो बन जाता है, दूसरा ये अल्लाह ताला ने उसको पैदा ही लीडर किया होते हैं। प्यास साहब ये बिल्कुल एक अल्लाह ताला का इस तरह का एक हथियार है कि इनमें जितनी लीडरशिप की क्वालिटीज है और जितने अच्छे तरीके से उसको लेकर ये चलते हैं, एक इस तरह एक डेमोक्रेटिक लीडर को होना चाहिए, उतनी क्वालिटीज उतनी सलाहियतें इनके अंदर मौजूद है, जिसका मैं समझता हूँ कि अभी तक बहुत कम इजहार हुए यहाँ पर। वरना फयाज साहब को आप कहें इनको कि आपने एक यूनिवर्सिटी बना ली है, ये आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाकर देंगे जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में से पहले भी यूनिवर्सिटी होगी, इतनी ज़्यादा सलाहियत है फयाज साहब में। फिर जो मैंने देखे इनकी पूरी टीम ही, जिसमें फारिज भाई शामिल हैं, जिसमें जमीर साहब हैं, जिसमें हमारी बहन है सफिया जानिस खान साहब मौजूद है, ये इतना एक खूबसूरत एक क्या कहना चाहिए एक टीम है, जिसमें माशाल्लाह इनके बच्चे भी हैं आरिस और हमदान, और ये सारे इतने अच्छे तरीके से जब ये चल रहे हैं, इसके पीछे जो वाइटल फोर्स है वो मैं जानता हूँ कि वो फयाज साहब है। और एक ऐसा शख्स जब आपके दोस्तों के हल्के में हो तो और उसको फिर क्या चाहिए, और प्याज साहब जिस तरह अल्लाह ने इनका नाम प्याज रखा हुआ है, तबीयत में भी इनकी प्याज है।